22 जनवरी 2024 जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या धाम में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस दिन से 22 जनवरी से सभी मिनिस्टर्स एक्टर्स 22 जनवरी को हमें दर्शन लेते हुए दिखे थे। 23 जनवरी से आम जनों के लिए भी दर्शन के लिए पट खुल गए थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को संपन्न किया था। राम मंदिर के इस भव्य उद्घाटन को देश भर में त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। आईडी डाउन कर लीजिए भैया। ये पल हम लोगों के लिए बहुत ही कृपा से मिले हुए पल और बहुत हर एक सनातनी भगवान राम की कृपा से उनकी भावना की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये कालखंड फिर से रामयुग यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैंने यहाँ पर आकर पहले भी मैं बहुत बार लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन करता था छात्र जीवन में था तो बहुत बार अयोध्या आया और जब जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि भगवान रामलला टेंट में है तो मन मैं भावुकता उस समय होती थी लेकिन आज एक अलग प्रकार का है। हम सब गौरवान्वित हैं कि ये क्षण हमको मिल रहे हैं और फिर से रामयुग शुरू हो रहा है। जिस तरह बात की जाए आपने जमीन की बात की थी अपने कि यहाँ पर अभी जिस तरह लोग आ रहे हैं अपनी जमीन के लिए बात कर रहे हैं कि उनका भी आपका जिस तरह हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार से माननीय योगी जी से इस पर अनुरोध किया है कि हमको जमीन जल्दी दे देंगे तो हम लोग यहाँ पर जो है एक उत्तराखंड के लोग चूँकि उत्तराखंड का और अयोध्या धाम का आपस में बहुत गहरा संबंध है और लोग आएंगे तो जल्दी हमको यहाँ पर ज़मीन मिल जाएगी तो हमारा भी एक सदन यहाँ पर बन जाएगा जिससे आने जाने वाले लोगों का और एक परस्पर संबंध बना रहेगा। सौ को देखिए क्या कहेंगे जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं कैसा लगा आपको? नहीं अच्छा है तो हर एक राम भक्त और राष्ट्रभक्त जाता है अयोध्या जाएँ और रामलला की प्रतिष्ठा हुई उनका दर्शन। 2024 में राम मंदिर का असर पड़ेगा? देखिए राम यत्र हैं सर्वत्र हैं यत्र तत्र और सर्वत्र क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है वहाँ राम भक्त हैं राष्ट्र भक्त हैं और हर राम भक्त सोचता था कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो उनका भव्य दिव्य मंदिर बने भगवान वहाँ विराजित हो जहाँ उन्होंने जन्म लिया है तो वो काम पूरा हुआ है। और वैसे भी हमारे यहाँ से माँ सरयू निकल कर यहाँ पहुँचती हैं रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है जहाँ पर पितृ यज्ञ भगवान राम जी ने किया था तो हमारा बहुत गहरा संबंध है और उत्तराखंड के लोग हमेशा यहाँ आएंगे। अलग अलग जिलों के अयोध्या में कहते हैं वो राजधानी है अलग अलग कुटीर है मतलब जैसे बलरामपुर गोंडा सुल्तानपुर इस तरह अब उत्तरांचल अभी यहाँ पे कुछ होगा अब निश्चित रूप से बनेगा और